हेलो फ्रेंड्स, स्टार प्लस पे टेलीकास्ट होने वाला आप सबका फेवरेट शो ये रिश्ता का कहलाता है का न्यू प्रोमो रिलीज कर दिया गया है और प्रोमो में दिखाया जा रहा है कि एक बार फिर से आ गई है कार्तिक और नायरा के बीच में दूरियां, क्योंकि जहां एक तरफ मनीष का एक्सीडेंट हो गया है और वो बच्चों की तरफ बिहेव कर रहे हैं, वहीं कार्तिक को ये लग रहा है कि जो कुछ भी हो रहा है वो नायरा की वजह से हो रहा है। कार्तिक सारा इल्जाम नायरा पे डाल देता है। नायरा उसे समझाने की कोशिश करती है कि मेरी इन सब में कोई गलती नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया है, लेकिन फिर भी कार्तिक उसकी बात को नहीं समझता। वही जब नायरा रो रही होती है तो वो कहता है कि तुम्हारे रोने से मेरे पापा ठीक हो जाएंगे क्या, लेकिन तभी वहाँ पे नक्च आएगा और कहेगा कि कार्तिक तुम भूल रहे हो कि हमारी माँ के साथ जो भी कुछ हुआ था वो तुम्हारी फैमिली की वजह से हुआ था। और ये सुनकर कार्तिक चुप हो जाएगा। तभी नायरा कार्तिक से कहेगी कि वो तुम्हारे पापा नहीं, वो हमारे पापा हैं। दरअसल होता ये है कि नायरा को कुछ ज़रूरी काम से बाहर जाना होता है और मनीष को भी कुछ काम होता है तो वो नायरा के साथ चला जाता है। नायरा रास्ते में कार ड्राइव कर रही होती है, तभी नायरा के कार का एक्सीडेंट हो जाता है। नायरा को तो कुछ नहीं होता लेकिन मनीष को बहुत ज़्यादा चोट लग जाती है। तभी वहाँ पर एम्बुलेंस आता है और जल्दी से मनीष को हॉस्पिटल लेकर जाता है। कार्तिक को जैसे ही ये बात पता चलती है उसके तो होश उड़ जाते हैं, सभी घर वाले हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं, लेकिन कार्तिक नायरा से गुस्सा रहता और उससे बात भी नहीं करता। उस दिन तो सब कुछ ठीक हो जाता है, मनीष जी भी ठीक होकर घर आ जाते हैं, लेकिन अचानक से तीज का फेस्टिवल सेलिब्रेट हो रहा होता है और कार्तिक के पापा बच्चों की तरह हरकत करने लगते हैं और वो स्वर्णा की थाल में पानी गिरा देते हैं और जाके एक पिलर के पीछे छिप जाते हैं, जिसके बाद सभी घर वालों को पता चल जाता है कि वो अपना यादाश्त खो चुके हैं और वो एक बच्चे जैसी हरकत करने लगे हैं। और ये सब का दोष कार्तिक एक बार फिर से नायरा के ऊपर डाल देता है। वो उससे कहता है कि मैंने तुमसे मना किया था उस वाले रोड से जाने के लिए, लेकिन तुम वहाँ पे गई। सो फ्रेंड्स, ये सब देखना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हुआ कि इस तरीके से नायरा अपने आप को बेगुनाह साबित कर पाएगी या फिर वो ये घर छोड़ कर चली जाएगी। सो फ्रेंड्स, कितने ज़्यादा एक्साइटेड हो आप आने वाले एपिसोड को लेकर हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। हेलो फ्रेंड्स, रियल शक्ति अस्तित्व के एहसास के एपिसोड में हम देखने वाले हैं हीर अपने भाइयों के साथ मिलकर राखी सेलिब्रेट करती है, जहां पे वो सारे लोग बहुत ज़्यादा मस्ती करते हैं, जहां पे हीर अपने भाइयों के साथ रहने की बात करती है और जॉब करने की बात करती है, जिसके बाद हीर अपने भाइयों से कहती है कि मुझे कॉलेज वॉलेंटियर्स के लिए जाना है, जहाँ पे हीर कॉलेज के लिए निकल जाती है और सन्नो अपने मन में ही चाल चलने की बात करती है। वही दूसरी ओर आपको देखने को मिलेगा इधर विराट के घर पर भी राखी सेलिब्रेट किया जा रहा है, जहाँ पे तभी झरना वहाँ पे चली आती है, जिसके बाद विराट अपने भाभी से राखी बंधवाता है। वहीं इधर नूतन भी मल्लिका दी को राखी बांधती है और नूतन मल्लिका दी को अपने दिल की बात बताती है, जहाँ पे हीर और विराट को पास लाने की बात करती है। वहीं पे मल्लिका दी ये कहती है कि ये कभी नहीं होने वाला और विराट और हीर को कभी पास आने नहीं देगी। वही दूसरी ओर आपको देखने को मिलेगा सन्नो शुभम को बहुत भड़काती है हीर और विराट के बारे में बोलकर, और सन्नो शुभम को प्रीतो हरत सिंह के बारे में गुनहगार बताती है कि उसने ही विराट और हीर को अलग कर दिया। वहीं दूसरी ओर परमीत भी बात करता है झरना से गुरविंदर के बारे में, जहां पे झरना उनसे पूछती है कि हीर और विराट कैसे अलग हो गए, जिसके बाद गुरविंदर ये सारी बातें सुन रहा होता है। वहीं इधर कॉलेज में हीर के पैर लड़खड़ा जाते हैं, जहाँ पे विराट आकर उसे बचा लेता है। फिर हीर बहुत गुस्से में आती और विराट को डांटने लगती है और दोनों में बहस हो जाती है, जहाँ पे विराट और हीर एक दूसरे पे पानी फेंक देते हैं। तभी वहाँ पे सर आ जाते हैं और वो विराट से कहते हैं, आप लोग ने अगर एक दूसरे से अच्छा व्यवहार नहीं किया तो आप लोगों को वॉलेंटियर्स में चयन नहीं किया जाएगा। वही दूसरी ओर इधर शुभम मल्लिका दी से हीर के बारे में बात करता है, जहाँ पे वो उसे कहता है कि हीर अभी भी विराट से बहुत प्यार करती है, जहाँ पे मल्लिका दी के बोलने पर वो नाराज हो जाता है और वो उसे किन्नर बोलकर चुप करवा देता है, जहाँ पे हरंग सिंह बहुत ज्यादा गुस्से में आते और वो शुभम पे हाथ उठाने लग जाते हैं, जहाँ पे शुभम मल्लिका दी घर से बाहर निकालने की कोशिश करता है लेकिन रोहन उसे आकर बचा लेता है। फिर हरक सिंह बहुत ज्यादा गुस्से में आते हैं और बात इतनी बढ़ जाती है कि हरक सिंह घर छोड़कर जाने लग जाते हैं, जहाँ पे प्रीतो सबसे कहती कि मैं भी घर छोड़कर चली जाऊंगी और रोहन बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, जहाँ पे सनु अपने मन में सोचती कहीं मेरा प्लान फ्लॉप ना हो जाए। वही इधर हीर और विराट से उसके सर कहते हैं आगे बढ़ने की बात और उन दोनों से कहते हैं हैंडशेक करने की बात, और सारे लोग विराट और हीर से कहते हैं कि तुम लोग अच्छे से मिलकर काम करो। तभी विराट को झरना का कॉल आता है और विराट हीर को जलाने के लिए झरना से बात करने लगता है, जिसके बाद हीर और विराट को वॉलेंटियर्स कहते हैं साथ में बात कर और काम करने के लिए, जहां पे हीर को अपनी पुरानी बातें याद आती है।
सो फ्रेंड्स, अब आने वाला एपिसोड में आप सबको देखने को मिलेगा यहाँ पे घर में बहुत ज्यादा बात बढ़ जाती है, जहाँ पे प्रीतो के बोलने पर शुभम घर छोड़कर चला जाता है। तभी घर पे हीर आती है और हीर को रोहन बताता है कि शुभम ये घर छोड़कर चला गया है, जिसके बाद हीर शुभम को ढूंढने जाती है बाहर, जहाँ पे शुभम का आई कार्ड मिलता है। और शुभम को ढूंढते ढूंढते हीर कुछ ऐसी जगह पहुंच जाएगी जिसे देखकर हीर बहुत ज्यादा हैरान रह जाएगी। सो फ्रेंड्स, अब आने वाले एपिसोड में आखिर शुभम को क्या ऐसा होने वाला है जिसे देखकर हीर बहुत ज्यादा हैरान रह जाएगी, ये सब जानना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। और आप इन सारे एपिसोड के लिए कितने ज्यादा एक्साइटेड है हमें कमेंट करके बताइए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। मिलते हैं लेटेस्ट एंड न्यू अपडेट्स के साथ। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, रियल शक्ति अस्तित्व के एहसास में हम देखने वाले हैं विराट और झना जाते हैं अपने घर की, और वही इधर रोहन करता है हीर से कीचड़ की बात, जहाँ पे हीर अपने कीचड़ को साफ करने के लिए जाती है तभी उसे अपनी पुरानी बातें याद आ जाती है। इधर विराट और झना घर आते हैं जहाँ पे सभी लोग लंच कर रहे होते हैं, तभी गुरविंदर पुलाव बनाता है जिसे देखकर विराट को हीर की याद आती है और विराट पूरी थाली को फेंक देता है। और विराट अपने घर में सबसे ये कहता है कि आज की बात इस घर में पुलाव कभी नहीं बनेगा। वही दूसरी तरफ रोहन प्रीतो से हीर की टेंशन की बात को बताता है, जहाँ पे वो सबसे कहता है कि हीर बहुत टेंशन में है और हीर को भी झरना की पुरानी बातें याद आती रहती है। वही दूसरी ओर विराट झरना को घर छोड़ना जाता है, जहाँ पे झरना विराट के पास आने की कोशिश करती है और ये सारी चीजें नूतन देख रही होती है, तभी विराट वहाँ पे जोर से चीखता है, जहाँ पे विराट नूतन को दिखाने के लिए झरना को पास बुलाता है और झरना को गले लगा लेता है, जहाँ पे झरना नूतन से कहती है कि विराट की मैं प्यार हूँ और हीर उसकी टाइम पास।
वहीं दूसरी तरफ सरनो हीरे कमरे में आती है जहाँ पे वो हीर से बहुत बड़ी बड़ी बातें करती, फिर प्रीतो उसे डांटकर भगा देती है, जहाँ पे प्रीतो हीर को प्यार से जगाती है और हीर अपने तकिए फाड़ने की वजह अपने बैक बोन का दर्द बताती है। वहीं दूसरी ओर प्रीतो हीर से तैयार होकर नीचे आने के लिए कहती है, जहाँ पे हीर बहुत अच्छे से तैयार होकर नीचे आती है और वहाँ पे रोहन और शुभम रहते हैं, जहाँ पे हीर एक छोटा सा एक्टिंग करती और उसे सारे लोग मिलकर बहुत अच्छे से मनाते हैं। सो फ्रेंड्स, वही आपको अब आने वाले एपिसोड में राखी का त्यौहार देखने को मिलेगा, जहाँ पे हीर और उसके दोनों भाई राखी सेलिब्रेट करते हुए नजर आएंगे। तभी सन्नू रोहन को भड़का देती है और उसे कहते कि ऐसा क्या होगा जो विराट इतना चेंज हो गया, जहाँ पे वो इतना प्यार करता था और वो इतनी नफरत करने लगा। और साथ ही हम अपकमिंग एपिसोड में देखने वाले हैं कि हीर की सच्चाई पता चल जाएगी अब शुभम को, और अब आने वाले एपिसोड में हीर अब क्या करने वाली और शुभम क्या करने वाला, ये सब तो हमें आने वाले एपिसोड में ही पता चल पाएगा। सो फ्रेंड्स, अब आने वाला एपिसोड काफ़ी ज़्यादा खास और इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस सारे एपिसोड के लिए कितने ज़्यादा एक्साइटेड हो हमें कमेंट करके बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। मिलते हैं ऐसे लेटेस्ट एंड न्यू वीडियो के साथ। थैंक यू। सो फ्रेंड्स, जैसा कि हम सब जानते हैं कि जब से हीर को इस बात की पता चली कि वो एक किन्नर है, तो हीर की तो होश उड़ गए हैं, और इसी के साथ साथ उसे अपना प्यार विराट पे बहुत ज़्यादा भरोसा था कि चाहे कुछ भी हो जाए वो विराट का साथ कभी नहीं छोड़ेगी। लेकिन जब से विराट को इस बात का पता चले कि वो एक किन्नर है, तो उसका साथ विराट ने छोड़ दिया, और इसी के साथ साथ विराट ने हीर का दिल बहुत ज़्यादा तोड़ चुका है, जहाँ पे हीर अपने आप को बदलने की बहुत कोशिश कर रही है। सो फ्रेंड्स, अब आपको आने वाले अपकमिंग एपिसोड में बहुत ज़्यादा ट्विस्ट एंड टर्न्स देखने को मिलेगा, जहाँ पे आपको देखने को मिला हीर ने अपने आप को पूरी तरह से बदल डाला है, जहाँ पे आप सबको आज के एपिसोड से देखने को मिलेगा हीर ने अब लिया है कि वो विराट की जगह को दिल से निकाल देगी, और हीर अब बहुत शरारती करते हुए नजर आएगी, जहाँ पे हीर अपने आप को खिड़की से बंद कर देगी और फिर विराट को नीचा दिखाने की कोशिश करेगी। इसी के साथ साथ जब हीर ने इस बात को ठान लिया कि विराट को अपनी लाइफ से निकालना चाहते, तो वही दूसरी तरफ विराट भी ने इस बात को ठान लिया कि अगर उसे हीर को अपनी लाइफ से निकालना है तो उसे भी कुछ चेंज होना पड़ेगा, और वही स्टोरी में होने वाली एक न्यू एंट्री वो बनेगी विराट की टेम्पोरी गर्लफ्रेंड। सो फ्रेंड्स, अब आने वाले एपिसोड में क्या होने वाला है, क्या विराट सच में अपनी न्यू गर्लफ्रेंड के साथ शादी कर ले, या विराट को अपनी गलती पे एहसास होने वाला और वो सख्ती से माफ़ी मांगने वाला, ये सब जाना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला। तो आप सब क्या चाहते हैं हमें कमेंट करके बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। मिलते हैं न्यू लेटेस्ट अपडेट के साथ। थैंक यू। आने वाले एपिसोड में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग मोड आने वाला है, जहाँ पे हीर के लाइफ में एक पर एक प्रॉब्लम आ रही है, वहीं दूसरी तरफ हीर का भाई शुभम भी अब उसके खिलाफ हो जाएगा। वही अब आपको आने वाले एपिसोड में देखने को मिलेगा हीर अपने भाइयों के साथ जब रक्षाबंधन मना रही होगी, तभी हीर के घर मलिका आ जाती है और मलिका को देखकर शुभम बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाएगा, और शुभम भड़कता हुआ ये कहने वाला है कि इस घर में कोई मर्द बचा भी है नहीं, यहाँ पे सब किन्नर ही भरे हैं। शुभम की इस बात को सुनकर हरक सिंह बहुत ही गुस्से में आ जाते हैं और वो शुभम पे हाथ उठाने की कोशिश करेंगे, तभी शुभम उसे उंगली से इशारा करके उसे रोक लेगा। वही दूसरी तरफ आपको देखने को मिलने वाला है शुभम मलिका का हाथ पकड़ के उसे धक्के मारकर अपने घर से बाहर निकाल देगा, और शुभम उसे ये कहने वाला है कि तुम आज के बाद दोबारा इस घर में दिखाई मत देना, और वही दूसरी तरफ हीर ये सारी चीज़ें को देखती रह जाती है। सो फ्रेंड्स, अब आने वाले एपिसोड में हीर अब क्या करने वाले शुभम की इस हरकतें को देखकर, ये सब जाना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, और आने वाले एपिसोड में बहुत ज़्यादा ट्विस्ट एंड टर्न्स आने वाले हैं। तो आप इन सारे एपिसोड के लिए कितने ज़्यादा एक्साइटेड हो हमें कमेंट करके बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुँचे। मिलते हैं लेटेस्ट अपडेट्स के साथ। थैंक यू।
हेलो फ्रेंड्स, कलर्स टीवी पे टेलीकास्ट होने वाला आप सबका फेवरेट शो शक्ति अस्तित्व के एहसास की को आप कलर्स टीवी और कभी भी भूत ऐप पे देख सकते हो। अपकमिंग एपिसोड में आप सब देखने वाले हैं कि विराट जाता है अपने घर की तरफ और इधर रोहन हीर से कीचड़ के बारे में बात करता है, जिसके बाद हीर कीचड़ को धोकर आती है और उसे पुराने दिनों की याद आ जाती है। इधर विराट और झरना घर पहुंचते हैं, तभी वो देखते हैं कि सभी लोग लंच कर रहे होते हैं और लंच में पुलाव बना होता है, जिसे देखकर विराट को हीर की याद आती है। तभी विराट थाली उठाकर फेंक देता है और कहता है कि अगली बार से इस घर में पुलाव नहीं बनेगा। फिर रोहन प्रीतो को हीर की टेंशन के बारे में बताता है। इधर हीर भी परेशान होती है झरना की बातों को याद कर करके। वही विराट झरना को घर छोड़ने जाता है, तभी झरना विराट के पास आने की कोशिश करती है और दूर खड़ी नूतन ये सब देख लेती है। नूतन विराट के पास आती है और झरना से पीछे छुड़ाने के बारे में कहती है। तभी विराट नूतन को दिखाने के लिए झरना को घर के बाहर बुलाता है और उसे गले लगा लेता है। झरना विराट से कहती है कि मैं तुम्हारा हमेशा साथ दूंगी और हीर ने तुम्हारे साथ टाइम पास किया है। वही दूसरी तरफ सुबह हीर के कमरे में सन्नू आती है और उसे बड़ी बड़ी बातें सुनाती है, जिसके बाद प्रीतो उसे चुप करा देती है और हीर को प्यार से जगाती है। प्रीतो हीर से कहती है कि तुम तैयार होकर नीचे आ जाओ। वही हीर अच्छे से तैयार होकर नीचे आ जाती है, जहाँ पे रोहन और सोहम दोनों उसका वेट कर रहे होते हैं। तभी हीर एक्टिंग करती है, जहाँ पे सभी घरवाले उसे प्यार से मनाते हैं और अच्छे से टाइम स्पेंड करते हैं। वही अपकमिंग एपिसोड में आप सब देखने वाले हैं कि आने वाला है भाई और बहन के रिश्ते में एक रोमांचक मोड़। आप सब देखने वाले हैं कि जब तीनों भाई बहन राखी सेलिब्रेट कर रहे होंगे, तभी सन्नू सोहम को भड़का देगी और बीच में आग लगा देगी। वो सोहम से कहती है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि सुबह तक प्यार करने वाला विराट रातों रात इतना ज्यादा बदल गया। साथ ही साथ आप सब देखने वाले हैं कि हीर की सच्चाई पता चल जाएगी सोहम को। अपकमिंग एपिसोड भी आप सब देखने वाले हैं कि हीर की खुशियां बदलने वाली है आंसुओं में, क्योंकि हीर का कोई अपना उससे जुदा होने वाला है। लेकिन उससे पहले आप सब हीर को मुस्कुराते हुए और खुश होते हुए देखेंगे अपने भाइयों के साथ, क्योंकि राखी के दिन हीर के दोनों भाई उसके लिए कुछ ऐसा करेंगे जिसकी वजह से हीर के चेहरे पे मुस्कान आ जाएगी और हीर अपने दोनों भाइयों को राखी भी बांधेगी। लेकिन इस खुशी को नजर लग जाएगी सन्नो की, जिस वजह से खो जाएगी पूरे परिवार की हंसी, क्योंकि सोहम अब बनने वाला है एक बहुत ही बड़ा मोहरा, क्योंकि सन्नो अब बना लेगी सोहम को अपना मोहरा और उसे अपने इशारों पे नचाएगी, जिसके बाद सोहम सवाल पे सवाल करने वाला है हरक सिंह से। अपकमिंग एपिसोड में आप सब देखने वाले हैं कि सोहम अपने दादू को कह देगा कि वो नामर्द है, जिसके बाद उसके दादू बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाएंगे और उस पे हाथ उठा देंगे और ये सब सुनकर सभी घर वाले के होश उड़ जाएंगे। तो अब ये देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि किस तरीके से हीर अपने भाई सोहम के दिमाग में चल रहे गलत फहमी को मिटा पाती है। फिर होने वाला है विराट और हीर का आमना सामना, जिसके बाद झरना हीर को देखकर हीर को वार्निंग दे देगी कि तुम विराट से दूर ही रहो, ये तुम्हारे लिए अच्छा होगा। और आगे क्या कुछ खास होने वाला है आज इस वीडियो में, ये हम आप सबको बताने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आप सब एक लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह की रियल और इंटरेस्टिंग अपडेट सबसे पहले आपको मिले। आज के एपिसोड में आप सब देखने वाले हैं कि हीर और विराट के दोस्त मिलकर हीर और विराट को एक कमरे में बंद कर देंगे, जहां पे उन दोनों की तस्वीरें भी लगेंगी और हीर उन तस्वीरों को देखेगी और उसे फाड़ने लगेगी। तभी हीर के हाथ में चोट लग जाएगी, जिसके बाद हीर को चोट लगते देख विराट भी परेशान हो जाएगा और वो गुस्से में एक फ्लावर पॉट पे अपने हाथ को मार देगा, जिसके बाद उसके हाथ से भी खून निकलने लगेगी। जिसके बाद हीर विराट के हाथ को पकड़कर उससे पूछेगी कि तुम ठीक तो हो ना, जिसके बाद विराट और हीर को एक साथ देखकर झरना वहां पहुंच जाएगी और हीर से कहेगी कि आज के बाद मैं विराट के साथ रहूंगी। अपकमिंग एपिसोड में आप सब देखने वाले हैं कि झरना विराट और हीर के बीच में और भी ज्यादा दूरियां लाने वाली है। अब जैसा कि आप सबको पता है कि हीर के किन्नर वाले सच को जानने के बाद विराट ऑलरेडी हीर से बहुत ज्यादा गुस्सा है, वही हीर भी विराट से बहुत गुस्सा है और वो बदला लेना चाहती है। लेकिन इसी बीच आग में घी डालने का काम करने वाली है झरना। वही अपकमिंग एपिसोड में आप सब देखने वाले हैं कि झरना विराट से प्यार करती है और इसलिए वो हीर को और विराट को अलग करना चाहती है और इसलिए वो हीर को धमकी भी दे चुकी है कि विराट के आसपास न घूमे। सो फ्रेंड्स, आने वाला अपकमिंग एपिसोड काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और ट्विस्ट भरा होने वाला है, तो कितना ज्यादा एक्साइटेड हो आप आने वाले एपिसोड को लेकर हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो मिलते एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।
हेलो फ्रेंड्स, कलर्स टीवी पे टेलीकास्ट होने वाला आप सबका फेवरेट शो शक्ति अस्तित्व के एहसास की को आप कलर्स टीवी और कभी भी वो टैप पे देख सकते हो। अपकमिंग एपिसोड में आप सब देखने वाले हैं कि विराट जाता है अपने घर की तरफ और इधर रोहन हीर से कीचर के बारे में बात करता है, जिसके बाद हीर कीचर को धोकर आती है और उसे पुराने दिनों की याद आ जाती है। इधर विराट और झरना घर पहुंचते हैं, तभी वो देखते हैं कि सभी लोग लंच कर रहे होते हैं और लंच में पुलाव बना होता है, जिसे देखकर विराट को हीर की याद आती है। तभी विराट थाली उठाकर फेंक देता है और कहता है कि अगली बार से इस घर में पुलाव नहीं बनेगा। फिर रोहन प्रीतो को हीर की टेंशन के बारे में बताता है। इधर हीर भी परेशान होती है झरना की बातों को याद कर करके। वही विराट झरना को घर छोड़ने जाता है, तभी झरना विराट के पास आने की कोशिश करती है और दूर खड़ी नूतन ये सब देख लेती है। नूतन विराट के पास आती है और झरना से पीछे छुड़ाने के बारे में कहती है। तभी विराट नूतन को दिखाने के लिए झरना को घर के बाहर बुलाता है और उसे गले लगा लेता है। झरना विराट से कहती है कि मैं तुम्हारा हमेशा साथ दूंगी और हीर ने तुम्हारे साथ टाइम पास किया है। वही दूसरी तरफ सुबह हीर के कमरे में सन्नू आती है और उसे बड़ी बड़ी बातें सुनाती है, जिसके बाद प्रीतो उसे चुप करा देती है और हीर को प्यार से जगाती है। प्रीतो हीर से कहती है कि तुम तैयार होकर नीचे आ जाओ। वही हीर अच्छे से तैयार होकर नीचे आ जाती है, जहाँ पे रोहन और सोहम दोनों उसका वेट कर रहे होते हैं। तभी हीर एक्टिंग करती है, जहाँ पे सभी घरवाले उसे प्यार से मनाते हैं और अच्छे से टाइम स्पेंड करते हैं। वही अपकमिंग एपिसोड में आप सब देखने वाले हैं कि आने वाला है भाई और बहन के रिश्ते में एक रोमांचक मोड़। आप सब देखने वाले हैं कि जब तीनों भाई बहन राखी सेलिब्रेट कर रहे होंगे, तभी सन्नो सोहम को भड़का देगी और बीच में आग लगा देगी। वो सोहम से कहती है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि सुबह तक प्यार करने वाला विराट रातों रात इतना ज्यादा बदल गया। साथ ही साथ आप सब देखने वाले हैं कि हीर की सच्चाई पता चल जाएगी सोहम को। अपकमिंग एपिसोड भी आप सब देखने वाले हैं कि हीर की खुशी